गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है। और गाइस जल्दी से एक बार बता दीजिए, आपको आवाज ठीक आ रही है, कोई इशू नहीं है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 30 जनवरी 2021। ओके, हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं। गाइस एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। विश्वरूपम, तान्या, संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की, और फटाफट से आप मुझे एक बारी प्रीवियस डे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बताइए, हम रिवीजन करेंगे, फिर आज के करंट अफेयर्स और क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। एग्जाम क्रैक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बारी फैला दीजिए फटाफट से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है, 9th, 10th, 7th and 8th। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन जारी करता है गाइस? जर्मन वॉच यहां पर जारी करता है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कहां की है? जर्मनी की है। जर्मन वॉच ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी करता है। इसके अलावा ये CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जारी करता है। तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? यस, वेरी गुड एग्जाम क्रैक, आपने क्वेश्चन फोड़ दिया है, और इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 7th है। वेरी गुड विश्वरूपम, बिल्कुल सही आंसर है, 7th रैंक यहां पर भारत को मिली है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। और बाकी कंट्रीज की हम बात करें तो यहां पर मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक को फर्स्ट रैंक मिली है, और सेकेंड प्लेस किसको मिली है? जिम्बाब्वे को मिली है। अफगानिस्तान की यहां पर 6th रैंक है, ठीक है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ डैमेजेस की बात करें मिलियन डॉलर्स में जो नुकसान हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इसमें भारत का पहला रैंक रहा है। सभी को क्लियर है? यस, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, हु वन 27th एनुअल क्रिस्टल अवार्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स डेवोस एजेंडा समिट। 27वां एनुअल क्रिस्टल अवार्ड डेवोस एजेंडा समिट का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो देवोस एजेंडा समिट है, इसमें किसको मिला है? ये सर डेविड एडजे, सिबास्टियो सलगादो, क्लॉस क्वाब एंड बोथ ए एंड बी। तो जल्दी से बताइए गाइस कमेंट करके, सभी लोग कमेंट करिए यहां पर करेक्ट आंसर को। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जल्दी से बताइए। सो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर तान्या ने बता दिया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। सर डेविड एडजे और सिबास्टियो सलगादो को यहाँ पे एनुअल क्रिस्टल अवार्ड मिला है। क्लॉस क्वाब जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर हैं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर कहां पर है? इसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, ठीक है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। यस, वेरी गुड विश्वरूपम, संजीव, तान्या, सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, हु इज अपॉइंटेड एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जेक सुलिवन, ललॉयड ऑस्टिन, रॉबर्ट कटलर एंड गॉर्डन ग्रे। जल्दी से बताइए गाइस। सो यहां पर किसको अपॉइंट किया गया है? जेक सुलिवन को अपॉइंट किया गया है एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इंडिया के कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? अजीत डोवाल है, कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ललॉयड ऑस्टिन जो है ये डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं यूएस के, जैसे हमारे यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है। इसी तरह से यूएस में डिफेंस सेक्रेटरी है ललॉयड ऑस्टिन है। सभी को समझ में आ रही है? यस, आगे चलते हैं। यस, दीपिका पादुकोण को लास्ट ईयर मिला था एनुअल क्रिस्टल अवार्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, बताइए विच ऑफ दी फॉलोइंग मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल। निम्न में से किस मंत्री ने वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल एंड रविशंकर प्रसाद। यस राहुल, बिल्कुल सही बात है, अजीत डोवाल इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज रविशंकर प्रसाद, ये कम्युनिकेशन और आईटी मिनिस्टर हैं। सो इन्होंने यहां पर वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल को लॉन्च किया है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही सही एक टूल है, पोर्टल है। इसके अलावा एक तेजस टूल भी यहां पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, इंडिया हैज साइंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद डैश फॉर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी। भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए डैश के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल एंड नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस जल्दी बताइए गाइस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ यहां पर रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहां पर है? इसके हेडक्वार्टर्स गाइस वियना ऑस्ट्रिया में है। ये काफी चर्चा में रहता है। ये यूएन की एजेंसी है फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब जो भी कहीं पे भी न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह होते हैं वहां पे जाके विजिट करती है और टेस्ट चेक करती है कि कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट वेपन ग्रेड का तो नहीं कर रहा है। इसलिए ईरान की वजह से IAEA काफी चर्चा में रहता है। इंडिया जो है IAEA का मेंबर है, ठीक है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IAEA, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। सो यस संजीव बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। सो IAEA की हम बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये किसके अंतर्गत ऑटोनॉमस बॉडी है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के अंतर्गत ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी और एनर्जी की सस्टेनेबिलिटी से संबंधित पॉलिसीज को रिकमेंड करती है। स्टैब्लिश कब हुई थी? 1974 में, और करेंटली इसके 30 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है और ये सालाना जो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस टू रिमेन पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में निम्न से किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन का हिस्सा बने रहने की घोषणा की है? चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। जल्दी से बताइए गाइस क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने पिछली साल अप्रैल 2020 में यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो भी फंड थे अपने फंड्स को विड्रॉ कर लिया था, फंड देना बंद कर दिया था। देन उसके बाद उन्होंने जुलाई के आसपास अनाउंस किया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हम पार्ट नहीं रहेंगे। लेकिन अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन, उन्होंने वापस से कहा है कि US यहां पर WHO का पार्ट रहेगा। WHO की हम बात करें कब स्टैब्लिश हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और करेंटली इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडनॉम घेब्रियसिस है। इतना तो सभी को पता ही है, ये रट गया होगा एकदम अच्छे से सभी को। यस चलिए, यस बिल्कुल संजीव, पोस्ट कोविड सिचुएशन के लिए हुआ था। और शोभा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हेलो शोभा, कैसे हैं आप? ठीक है, हम यहाँ पे करंट अफेयर्स का रिविजन कर रहे हैं प्रीवियस डे का, और अभी हम फिर करंट डे का न्यूज और क्वेश्चंस देखेंगे। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेट अ रिकॉर्ड ऑफ अनफर्लिंग द नेशनल फ्लैग एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड? निम्न में से किसने उच्चतम ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का रिकॉर्ड बनाया है? तापिर गाओ, किरण रिजिजू, जमयांग शेरिंग नामग्याल एंड अरुण साउ। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो यहां पर किसने रिकॉर्ड बनाया है नेशनल फ्लैग को हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे फहराने का? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज जमयांग शेरिंग नामग्याल ने इसको किया है। ठीक है, काफी ऊंचाई पर इसको लगाया गया है, तिरंगे को फहराया गया है। और यहाँ की जो मेन देखने वाली चीज है वो है आपका जो नेशनल एम्बलम है वो वहां पर स्नो में बना हुआ है, स्नो से बना हुआ है। ठीक है, यस संजीव बिल्कुल, लद्दाख के जो MP थे उन्होंने यहाँ पे इसको फहराया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पंख अभियान ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? कौन सी राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान को शुरू किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो जल्दी से बताइए गाइस क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सी सरकार ने यहां पर पंख अभियान को लॉन्च किया था? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आपका कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, सो पंख अभियान क्या है? पी फॉर प्रोटेक्शन, देन ए फॉर आपका एक्सेसिबिलिटी के भाई उनको जितनी भी एजुकेशन है उस फील्ड में उनको प्रदान किया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। देन एन फॉर न्यूट्रिशन को प्रदान किया जाए, के फॉर नॉलेज, एच फॉर उनका हेल्थ का ध्यान रखा जाए। तो ये सभी चीजों को मिलाकर यहां पर पंख अभियान को लॉन्च किया गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड इंक्रीज ऑफ ₹375 ओवर 2020 रेट्स इन एमएसपी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने निम्न में से किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2020 की दरों में ₹375 की वृद्धि को मंजूरी दे दी है? कोपरा, कॉटन, रॉ जूट एंड पेडी। तो आपको पता है एमएसपी यहाँ पर टोटल 23 क्रॉप्स पे अभी दिया जाता है, सरकार द्वारा अनाउंस किया जाता है और रिकमेंडेशन सीएसीपी के द्वारा किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रैक्टिसेस, इसके द्वारा रिकमेंडेशन किया जाता है और फाइनली जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज कोपरा। और कल कोई बच्चा पूछ रहा था कोपरा क्या होता है, तो आपने जैसे अगर बात करें हम यूपी की, तो यूपी में इसको गोला कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं ना गोले का तेल, गोला, ठीक है, तो गोला के नाम से इसको जाना जाता है आम भाषा में। तो कोपरा ये होता है, इसे जो गोले का तेल है, जो कोकोनट ऑयल है, ये ऑब्टेंड होता है। तो ये तो अभी आपने सभी घरों में देखा ही है, कहीं भी पूजा वगैरह होती है तो वहां पे नारियल और गोला दोनों का इस्तेमाल होता है। देन जो भाई दूज होता है, भाई दूज के अवसर पर भी जो है इनकी पूजा की जाती है, गोले की पूजा की जाती है गोले से, है ना। ओके, सो अभी क्लियर है सभी को कि कोपरा क्या है, अभी किसी को डाउट नहीं है ना? यस, रूही बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्रॉप जो है उनपे एमएसपी यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके 7 तो अनाज है, 7 सीरियल्स हैं, जिसमें पैडी यानी कि धान, वीट यानी कि गेहूं, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी, बार्ले, ये सभी इसमें शामिल है। इसके बाद आपकी जो पल्सेस हैं, 5 पल्सेस को यहाँ पे दिया जाता है, चना, अरहर की दाल, उड़द, मूंग और मसूर। फिर इसके बाद आपकी तिलहन जो है, 7 यहाँ पर आपके तिलहन है, जिसमें रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमम, सैफ्लावर और नाइजर सीड शामिल है। देन कमर्शियल क्रॉप, 4 आपके कमर्शियल क्रॉप है, जिसमें कॉटन, शुगर केन, कोपरा और रॉ जूट शामिल है। सभी को समझ में आ गया कौन कौन से हैं ये? ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो प्रीवियस डे के हमने यहाँ पे क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, हम आज के क्वेश्चन और न्यूज देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी गाइस सेलिब्रेट की गई 28 जनवरी को, और लाला लाजपत राय, इनका जन्म 28 जनवरी 1865 में पंजाब में हुआ था और उनको स्वतंत्रता संग्राम में उनको याद किया जाता है, उनका जो भी योगदान था उसके लिए। एंड लाला लाजपत राय जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ये यानी कि गरम दल से थे, दो दल थे आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, एक थे नरम दल और एक थे गरम दल। नरम दल को मॉडरेट कहा जाता है अंग्रेजी में, तो मॉडरेट्स में जैसे आपके राजबिहारी घोष, देन दादाभाई नरोजी, ये मॉडरेट्स थे। एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे? लाल बाल पाल थे, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिजेंद्र पाल, ये आपके 3 लाल बाल पाल थे, ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। और पंजाब केसरी के नाम से यहाँ पे लाला लाजपत राय को जाना जाता था, ठीक है। ही फाउंडेड द दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर, लाहौर में उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। ही ऑल्सो फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी एट लाहौर इन 1921 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी लाहौर में फाउंड की थी। तो ये भी एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की भी जो है स्थापना की थी। इसके अलावा गाइस, जब साइमन कमीशन आया था तो इसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर लाला लाजपत राय शामिल थे। फिर उनपे लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनकी मृत्यु का बदला लेना था स्कॉट से, ठीक है, जनरल स्कॉट से बदला लेना था। तो इसके बदला लेने के लिए यहाँ पे लाहौर कॉन्स्पिरेसी में कौन शामिल थे? भगत सिंह थे, ठीक है, और उनके अन्य लोग शामिल थे। और फिर उन्होंने किसको मार दिया? उन्होंने मिस्टेक से यहाँ पे सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है, और फिर इसी के लिए भगत सिंह को यहाँ पर फांसी मिली थी। उनपे जो ट्रायल चला था वो यहाँ पर उनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी के लिए उनको ट्रायल चला था और फांसी दी गई थी। सभी को समझ में आ रही पूरी कहानी क्या चल रहा था ये? यस, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर बताइए। हु इज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? भगत सिंह, राजबिहारी बोस, लाला लाजपत राय एंड सोहन सिंह बखना।
एंड गाइस अगर किसी ने 2 बजे वाला सेशन अटेंड नहीं किया है, 2 बजे हमने एनटीपीसी के Shift 1 के क्वेश्चंस की एनालिसिस की थी, तो वो जाकर टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ अवेलेबल है सारे क्वेश्चंस का Shift 1 की, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी कि लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवे सेट अ रिकॉर्ड ऑफ रनिंग 3.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्री ट्रेन वासुकी। तो भारतीय रेलवे ने 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी वासुकी चलाने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये जो है लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन जो है रन की गई है भारत के द्वारा, सबसे लंबी यहां पर मालगाड़ी रेल चलाई गई है भारत के द्वारा। ये जो ट्रेन थी ये भिलाई से शुरू हुई थी और फिर ये कोरबा रेलवे स्टेशन पहुंची थी 7 घंटों में। 7 घंटों में ये ट्रेन आपकी भिलाई से स्टार्ट होकर कोरबा तक पहुंची थी। दिस ट्रेन हैज बीन ऑपरेटेड बाय द साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। इस ट्रेन को साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेट किया गया। वासुकी ट्रेन जो है ये 5 रेक से बनी हुई है ऑफ गुड्स ट्रेन एंड इट कंप्राइज ऑफ 5 इंजन एंड 295 रेक्स। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 इंजन है और 295 टोटल यहां पर रेक्स है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज सेट अ रिकॉर्ड ऑफ रनिंग 3.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्री ट्रेन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रेन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड बनाया है, ट्रेन का नाम क्या है? शेषनाग, वासुकी, गजराज एंड तेजस। तो जल्दी से बताइए कौन सी यहां पर ये ट्रेन है। सो ये ट्रेन कौन सी है? ये आपकी है वासुकी। ठीक है, नाम याद रहेगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं पहले। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 2021। तो आपको पता है कि जो आपकी रिपब्लिक डे परेड होती है उसके बाद फिर आपका बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। ठीक है, और ये कहां पर हुई थी? विजय चौक पे हुई थी और ये हर साल होती है। ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का एंड को मार्क करती है और डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो इसकी सेरेमनी की थीम थी वो थी इंडियन ट्यून्स, यानी कि भारतीय धुन यहाँ पर रिट्रीट समारोह की थीम थी। और यहाँ पे जो मास्क बैंड था विद स्वर्णिम विजय थीम वो एंट्री बैंड था। एंट्री बैंड कौन था? एक मास्क बैंड था जिसके जो स्वर्णिम विजय थीम के साथ आ रहा था, क्योंकि आपको पता है कि इस साल हम लोग 50वीं सालगिरह मना रहे हैं इंडिया की जो जीत हुई थी 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उसी को याद करने के लिए 50वां साल इस बार मनाया जा रहा है, तो उसी थीम पर वो चली थी। इसके बाद मास्क बैंड के पीछे स्वर्णिम विजय थीम के साथ जो चल रहा था बाकी बैंड्स फॉलो किए और यहां पर सारे जहां से अच्छा ट्यून यहां पर चलाई गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यून इज यूज्ड फॉर एंडिंग बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 2021 एट विजय चौक इन न्यू दिल्ली। निम्न में से कौन सी धुन जो है वो नई दिल्ली में विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह 2021 को समाप्त करने के उपयोग की गई थी। स्वर्णिम विजय, सारे जहां से अच्छा, हम होंगे कामयाब, या फिर ये आन तिरंगा है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सारे जहां से अच्छा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज 5th जॉइंट मीटिंग ऑफ इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 28 जनवरी। 28 जनवरी को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो हमारे ओर से हर्षवर्धन श्रृंगला ने पार्टिसिपेट किया और जापान के जो एम्बेसडर थे उन्होंने मीटिंग को चेयर किया। इस मीटिंग के दौरान जो भी भारत और जापान के बीच में जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उन सभी पे समीक्षा की गई, उनका रिव्यू किया गया और साथ साथ के और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कैसे कैसे कॉपरेशन को बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी यहां पर चर्चा की गई थी। इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2017। तो भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम कब एस्टैब्लिश हुआ था? 2017 में हुआ था और पहली जो जॉइंट मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 2017 में हुई थी। हेलो विनी, विनी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। गाइज एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। ठीक है, इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन ऑफ जापान। ठीक है, तो ये जो एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है
जो भी इंडिया और जापान के बीच में कैसे कोलैबोरेशन किया जाता है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैसे किया जा सकता है। सो ये आपका जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और भारत का यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात चल रही है, और जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और वहीं जापान का जो फ्री एंड ओपन इंडिया इंडो पैसिफिक विजन है, तो इन दोनों का ही यहाँ पर तालमेल कैसे हो सकता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। यहाँ पे सिर्फ इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे ओवरऑल बात चल रही है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। ओके चलिए, ऑन 28 जनवरी 5th ज्वाइंट मीटिंग ऑफ इंडिया एंड डैश एक्ट ईस्ट फोरम वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। 28 जनवरी को नई दिल्ली में भारत और डैश एक्ट ईस्ट फोरम की पांचवी संयुक्त बैठक हुई है, जापान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना। सो जल्दी से बताइए। एंड गाइज, जो आपका रिपब्लिक डे का ऑफर है, इट इज स्टिल वैलिड। रिपब्लिक डे का जो आपका ऑफर है, ठीक है, ऑन आरबी एनटीपीसी की जो टेस्ट सीरीज है उसपे जो आपका रिपब्लिक डे का ऑफर है, इट इज स्टिल वैलिड। ओके, तो आप यहां पर कोड लगाइए रिपब्लिक डे एंड देन यू कैन अवेल 26% ऑफ। ठीक है, दोनों ही आपकी जो दुरंतो और जो शताब्दी पैकेजेस हैं, यहां पर आपको 26% ऑफ मिलेगा। क्लियर है सभी को? चलिए, यस, ओके, संजीव बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जापान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मरीन मेगा फौना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइंस एंड नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान, दीज वर रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट के द्वारा। मेगा फौना स्ट्रैंडिंग दिशा निर्देश और राष्ट्रीय समुद्री कछुआ एक्शन प्लान जारी किया गया है, और ड्यूरिंग दिस वर्चुअल लॉन्च इवेंट जो हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने कहा कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है बहुत ही ज्यादा वास्ट है, तो आपको पता है कि लगभग 7,516.6 किलोमीटर का इंडिया का कोस्ट लाइन है और सबसे ज्यादा गुजरात में है, और इस कोस्ट लाइन में अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड का जो कोस्ट लाइन है वो भी शामिल है। इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है ये करीब करीब 15,200 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, ओके। खैर, इस सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि जो बिग मैमल्स हैं जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन्स, डुगोंग्स, इनके बारे में उन्होंने चर्चा की। नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान, दिस प्रोवाइड्स वेज एंड मींस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टर्टल। तो यहां पर कछुओं के संरक्षण के लिए नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है, ठीक है। टर्टल्स की हम बात करें तो टर्टल्स जो है ये रेप्टाइल्स हैं विद बोनी और कार्टिलेजिनस शेल, दीज आर कोल्ड ब्लडेड। तो टर्टल जो कछुए होते हैं ये आपके बोनी या कार्टिलेजिनस खोल के साथ सरीसृप हैं और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है वार्म ब्लडेड होती है, बट जो कछुए होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और इनको वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आपको पता है जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके शेड्यूल वन में काफी आपके फ्लोरा एंड फौना है, सो उनको प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है शेड्यूल वन के अंतर्गत। ऑलिव रेडेड टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, लेदरी टर्टल, ईस्टर्न मड टर्टल, ये कुछ टर्टल्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं। ऑलिव रेडेड टर्टल की मास नेस्टिंग होती है उड़ीसा की जो ऋषिकुल्या रिवर है उसके पास में, ऋषिकुल्या रिवर जो है उसके पास में है ना, तो ये आप सभी को पता है इसके बारे में, यस। नेक्स्ट इज, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड नेशनल मरीन डैश एक्शन प्लान एंड मरीन मेगा फौना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइंस। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री डैश कार्य योजना और समुद्री मेगा फौना स्ट्रैंडिंग दिशा निर्देश जारी किए हैं, व्हाइट शार्क, टर्टल, वेल एंड डॉल्फिन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस राहुल, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज टर्टल, ठीक है, टर्टल इसका करेक्ट आंसर होगा। टर्टल के लिए यहाँ पे एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है ताकि कछुओं का संरक्षण किया जा सके। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरमेंट लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 28 जनवरी। 28 जनवरी को इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरमेंट, इसको लॉन्च किया गया हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर और फ्रेंच मिनिस्टर फॉर इकोलॉजिकल ट्रांजिशन इनके द्वारा। यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि 26% ऑफ एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन हैज बीन अचीव। तो इंडिया ने जो अपना एक गोल सेट किया था कि एमिशन इंटेंसिटी जो है इसको कम कर देंगे 26% तक, तो इसको अचीव कर लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इंडिया की जो करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 19
90 गीगावाट है, जिसमें 36 गीगावाट सोलर एनर्जी से है और 38 गीगावाट जो है वो विंड एनर्जी से है, और हमें जो टारगेट अचीव करना है वो 100 गीगावाट सोलर से अचीव करना है। टोटल तो हमारा 175 गीगावाट का टारगेट है। ठीक है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस टूवर्ड्स ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन विल बी एन एग्जाम्पल फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच में जो ये पार्टनरशिप है एनवायरमेंट को लेकर, सो ये दूसरे के लिए एक उदाहरण की तरह साबित होगी। इसमें पांच थीम क्या है, सबसे पहले है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण संरक्षण, क्लाइमेट चेंज, देन इसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो भी हमारी जैव विविधता है उसका संरक्षण करना, उसको कंजर्व करना, देन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, जो भी आपके शहरी क्षेत्र है वहां पर सतत विकास करना, डेवलप करना, देन डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज एंड एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सभी जो है यहाँ पर मेन थीम है। और आपको पता है इंडिया और फ्रांस के कोलैबोरेशन से कौन सा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया, आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टैब्लिश किया गया। करंटली इसमें 65 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं, और पहले तो यहाँ पे था कि जो आपके मेंबर्स पार्शली या फिर फुली लाई कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में वो मेंबर्स बन सकते हैं, लेकिन अभी चेंज हो चुका है, आईएसए का मेंबर कोई भी बन सकता है, जो भी कंट्री चाहती है। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर है, गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में इसके हेडक्वार्टर है। सभी को क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन का आंसर बताइए, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च डैश ईयर ऑफ द एनवायरमेंट। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डैश ईयर ऑफ द एनवायरमेंट का शुभारंभ किया है। इंडो जापान, इंडो जर्मनी, इंडो यूएस एंड इंडो फ्रेंच। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस गाइस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च्ड इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरमेंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गाइस कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं कुतुब मीनार को। गाइस आज यहाँ पे लाइट अप किया जाएगा। क्यों लाइट अप किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये दूसरी बार जो है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस सेलिब्रेट किया जा रहा है। पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? 2020 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। और कुतुब मीनार 50 उन लैंडमार्क्स में से एक है जिनको आज के दिन जलाया जाएगा। ठीक है, तो एनटीडीज क्या होती है? आपको पता है जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है यानी कि जो आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पे कुछ ऐसे रोग पाए जाते हैं जिनको नेग्लेक्ट किया जाता है और वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड में हर 5 में से एक व्यक्ति एनटीडीज से अफेक्टेड है। और अगर हम भारत की बात करें तो जितने भी मेजर आपके एनटीडीज हैं, करीब करीब 13-14 आपके एनटीडीज हैं, उनमें से 11 जो एनटीडीज हैं उसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है। तो इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन ऑफ एटलीस्ट 11 ऑफ मेजर एनटीडीज। आप समझ सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय बीमारियां जो है इनमें से 11 बीमारियों का दुनिया का सबसे बड़ा बोझ भारत में है। ठीक है, सो इसमें देख लीजिए कौन 13 मेजर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। ये है आपकी बुरुली अल्सर, ये बैक्टीरिया के कारण होती है। फिर छगास डिजीज है, ये आपके प्रोटोजोआ के कारण होता है। कॉलेरा आपको पता है बैक्टीरिया के कारण होता है। डेंगी आपका एर्बो वायरस है, बेसिकली आपका वायरस के कारण होता है डेंगी फीवर। ठीक है, और ट्रांसमिट कौन करता है? एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो है ये इसको ट्रांसफर करता है। फिर ड्रैकून कुलाइसिस जो है ये आपका वॉर्म के कारण कॉज किया जाता है। लिम्फेंटिक फिलियारिसिस ये भी आपका वॉर्म्स की वजह से कॉज होता है। फिलियारिसिस जो हाथी पांव जैसा सूज जाता है वो बीमारी, तो ये वॉर्म्स के कारण होती है। देन ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था स्लीपिंग सिकनेस, तो ये आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ट्रांसमिट कौन करता है इसको? तिसी तिसी फ्लाई के द्वारा ये ट्रांसमिट किया जाता है स्लीपिंग सिकनेस। अभी जो टोगो कंट्री है ना, ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बनी है। अफ्रीका में ज्यादातर ये पाया जाता है, सब सहारन अफ्रीका में। तो टोगो पहली कंट्री बन गई है जो यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस फ्री जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके बाद लेशमेनियासिस आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है। लेशमेनियासिस आपका काला आजार जो फीवर होता है आपका। देन लेप्रसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। देन ऑनकोरियासिस या रिवर ब्लाइंडनेस जो होती है वॉर्म की वजह से कॉज होती है। स्किस्टोसोमियासिस ये भी वॉर्म की वजह से होती है। देन सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स ये भी आपका वॉर्म की वजह से होता है।
ठीक है। एंड देन ट्रैकोमा, ट्रैकोमा डिजीज गाइस बैक्टीरियम लाइक ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है और ये आपका आई डिजीज होता है ट्रैकोमा, ठीक है, आंखों को ये अफेक्ट करता है। और कह सकते हैं कि जो मेजर कॉज है यूथ में, चिल्ड्रन में आई ब्लाइंडनेस का, सो वो मेजरली ट्रैकोमा की वजह से कॉज हुआ है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार की हम बात करें तो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और आपको पता है कि कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है, कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है उसमें जितने भी आपकी साइट्स हैं जैसे कि कुतुब मीनार, देन अलाई दरवाजा, तो ये सारे ही आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पार्ट हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पे कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था, लेकिन फिर उल्तुतमिश ने इसको फिनिश किया था। फिर इसकी एक बिल्डिंग डैमेज हो गई थी लाइटनिंग की वजह से, फिर उसको दोबारा बिल्ड किया गया था लेटर ऑन। तो ये हाईएस्ट टावर है इंडिया का और ये 13वीं शताब्दी के आसपास ये बिल्ड हुआ था। क्लियर है सभी को? यस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इलिमिनेटेड ऑन सेकेंड एनुअल वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे ऑन 30 जनवरी, यानी कि आज के दिन में वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस पे किसको यहाँ पर इलिमिनेट किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा? रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, कुतुब मीनार एंड हुमायूं टॉम्ब। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो रेड फोर्ट किसने बिल्ड किया है? शाहजहां ने बिल्ड किया है ना। आगरा फोर्ट किसने बिल्ड किया है? ये अकबर के द्वारा बिल्ड किया गया है। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद हुमायूं टॉम्ब किसके द्वारा बनवाया गया है? ये भी अकबर के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। ये आपका न्यू दिल्ली में है, सारी न्यू दिल्ली में है, सिर्फ आगरा फोर्ट को छोड़ के, आगरा फोर्ट आपका आगरा में है, ठीक है। रेड फोर्ट आपका आगरा फोर्ट एंड हुमायूं टॉम्ब, कुतुब मीनार, ये सारी ही आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आ रही बात समझ में सभी को? ओके, यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है रूही, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कुतुब मीनार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट इज डेटा प्रिवेसी डे गाइस। डेटा प्रिवेसी डे आपका 28 जनवरी को मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि जो आपका पर्सनल डेटा है और प्रिवेसी है उसके संरक्षण करना, उसको सुरक्षित करना कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कन्वेंशन 108 जो अडॉप्ट हुआ था, जिसको साइन किया गया था 28 जनवरी 1981 में, उसकी एनिवर्सरी को भी ये मार्क करता है। तो ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी फॉर डेटा प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शन। तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी पहली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है फॉर डेटा प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शन, तो ये कन्वेंशन 108 है। काउंसिल ऑफ यूरोप हैज स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग द डेटा प्रोटेक्शन डे फ्रॉम 2006 से काउंसिल ऑफ यूरोप डेटा प्रोटेक्शन डे मनाने लगी और ग्लोबली फिर इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा एज द डेटा प्रिवेसी डे, ठीक है, डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। यस, एग्जाम्पल एक बिल्कुल सही बात है, डेटा प्रिवेसी बहुत ही बड़ा आपका कंसर्न है आज के समय में। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग बिजनेसेस एंड यूजर्स अबाउट द वेज टू प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इस दिन का मुख्य उद्देश्य व्यवसायों और उपयोगकर्ताओं के बीच में व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना है। थीम क्या थी 2021 की? ओन योर प्राइवेसी, आपकी अपनी निजता, ये इस वर्ष की थीम थी, ठीक है। थीम भी याद कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। डेटा प्राइवेसी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश, डेटा गोपनीयता दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है, 24 मार्च, 26 जून, 28 जनवरी एंड 12 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है गाइज डेटा प्राइवेसी डे? सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 जनवरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नंदिता हजारिका को मेंबर बना दिया गया है एक कमेटी का, एक टेक्निकल कमेटी जिसको बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑन एलिफेंट कॉरिडोर केस। तो एलिफेंट कॉरिडोर से संबंधित जो केस था उस पर यहां पर नंदिता हजारिका को सुप्रीम कोर्ट ने मेंबर बना दिया गया है टेक्निकल कमेटी का। दिस कमिटी विल हियर द कंप्लेंट्स ऑफ लैंड ओनर्स अगेंस्ट द एक्शन टेक बाय द कलेक्टर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। तो आपको पता है कि नीलगिरी जिले में हाथी कॉरिडोर के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ भूमि मालिकों की शिकायतों की सुनवाई ये जो कमेटी है वो करेगी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को कहा था कि जितने भी रिजॉर्ट या होटल हैं एलिफेंट कॉरिडोर पर, इसको आप बंद कर दीजिए।
एलिफेंट कॉरिडोर ये आपका कहां पर लोकेटेड है? सिगूर प्लेट्यू, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसपे अभी केस चल रहा है, ये आपका सिगूर प्लेट्यू ऑफ नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये आपका वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट से जोड़ता है। तो एलिफेंट यहाँ पर जो सिगूर प्लेट्यू है इसको क्रॉस करते हैं, उनको अगर फूड या वाटर की सर्च में निकलना होता है तो इस कॉरिडोर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो कोई भी दो लार्ज हैबिटेट है एलिफेंट की, वहां पर उसको जोड़ने वाली जो पट्टी होती है, एक पूरा संकीर्ण रास्ता होता है, उसको एलिफेंट कॉरिडोर कहा जाता है। तो यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट की हम बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में करीब करीब 6,300 यहाँ पर एलिफेंट्स हैं, और IUCN की जो रेड लिस्ट है ये उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, विलुप्त प्राय जो कैटेगरी है उसमें सूचीबद्ध है। कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स मौजूद हैं। बाकी एशियाटिक लायन आपके कहां पर है? एशियाटिक लायन आपके गिर में गुजरात में है। गिर जो नेशनल पार्क है गुजरात में, वहां पर आपकी एशियाटिक लायन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इंडिया में करीब करीब 101 एलिफेंट कॉरिडोर है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर है? कर्नाटका में है। नीलगिरी बायोस्फीयर में 6,300 एलिफेंट मौजूद है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स? निम्नमें से किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड असम। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स जो है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड असम। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटक में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स मौजूद है। यस, वेरी गुड रूही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनामिका, यस, राहुल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इट सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को यहां पर CBIC ने इंटरनेशनल कस्टम्स डे को मनाया। तो यहां पर आपको एक जानकारी मिली कि अंतर्राष्ट्रीय जो कस्टम्स दिवस है ये कब मनाया जाता है? सीमा शुल्क दिवस ये आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि जो भी कस्टम ऑफिशियल्स हैं, एजेंसीज हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया जा सके। इस वर्ष इसकी थीम थी कस्टम्स बोलिस्ट्रिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रिजिलियंस फॉर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन, एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के लिए सीमा शुल्क वसूली में तेजी, नवीनीकरण और लचीलापन। ठीक है, ये इस बार की थीम है। और भारत में CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने यहाँ पर सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल कस्टम्स डे बाय गिविंग वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्ड। CBIC ने काफी स्टेप्स लिए हैं ताकि जो कस्टम क्लियरेंस है वो फेसलेस हो जाए, कॉन्टेक्टलेस हो जाए और पेपरलेस हो जाए। CBIC की हम बात करें तो 1 जनवरी 1964, 1 जनवरी 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था नई दिल्ली में। इसके जो हेड है वो एम अजीत कुमार हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू का एक पार्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। GST के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स को रीनेम करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स रख दिया गया था। ये जो भी आपकी सेंट्रल GST है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम इम्पोर्ट ड्यूटी है, इन सभी से संबंधित जो भी पॉलिसीज हैं उनको बनाना और उनको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। कस्टम्स बोलस्ट्रिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रिजिलियंस फॉर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन इज द थीम ऑफ विच डे ऑफ 2021? एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के लिए सीमा शुल्क वसूली में तेजी, नवीनीकरण और लचीलापन 2021 के किस दिन का विषय है? नेशनल रोड सेफ्टी वीक, नेशनल टूरिज्म डे, इंटरनेशनल कस्टम्स डे एंड वर्ल्ड ब्रेल डे। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। यस गाइस, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज इंटरनेशनल कस्टम्स डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिलायंस जियो यहां पर 5वां स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन चुका है ग्लोबली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूज, क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। रिलायंस जियो वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है, और ये जो भी रैंकिंग जारी की गई थी, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2021 जारी की गई थी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स की, और यहां पर रिलायंस जियो का जो स्कोर रहा है 91.7 रहा है, और इसको AAA+ ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग दी गई है। तो आपको पता है जियो लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है भारत में और थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है वर्ल्ड में। ठीक है, तो भारत में तो नंबर 1 पे है और वर्ल्ड में 3रे नंबर पे है।
चाइनीज मोबाइल ऐप वी चैट जो है टॉप पोजीशन पे है, ठीक है, जो फरारी है वो सेकंड पोजीशन पे है इस लिस्ट की। इसके अलावा जो सेबर बैंक है और जो कोका कोला है ये थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पांचवी पोजीशन पे कौन है, रिलायंस जियो। तो फर्स्ट पोजीशन पे वी चैट है, देन फरारी जो है ये आपका सेकंड पोजीशन पे है, एसबर बैंक जो है ये आपका ये थर्ड पे है, और कोका कोला फोर्थ पोजीशन पे है, रिलायंस जियो पांचवी पोजीशन पे है, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांडेड बिजनेस वैल्यूएशन कंसल्टेंसी। तो जो ब्रांड फाइनेंस एवं एक स्वतंत्र ब्रांडेड बिजनेस आपका वैल्यूएशन कंसल्टेंसी है, ठीक है। सो ये जारी करती है पूरा ये लिस्ट को। रिलायंस जियो की हम बात करें तो ये 2016 में फाउंड की गई थी और ये एक इंडियन टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी है जो कि जियो प्लेटफॉर्म्स की सब्सिडियरी है। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है और जो मुकेश अंबानी है वो चेयरमैन है रिलायंस जियो के, ठीक है। तो चलिए आंसर बताइए, विच ऑफ दी व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस जियो इन द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2021 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स। सबसे मजबूत ब्रांडों की ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2021 में रिलायंस जियो का स्थान क्या है, थर्ड, सेकेंड, फिफ्थ एंड एट्थ। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस गाइस, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इजी है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज फिफ्थ, पांचवा यहाँ पे स्थान है। तो आज का हम वर्ड ऑफ विजडम को डिस्कस कर लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ विजडम है इफ यू वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, अगर आप एक खुश मिजाज जिंदगी जीना चाहते हैं, देन टाई इट टू अ गोल एंड नॉट टू पीपल और थिंग्स, ठीक है। तो यहां पर कहा गया है कि अगर आप एक खुश भरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो यहां पर अपने जो जो भी जिंदगी है इसको लोगों से के साथ मत जोड़िए, इसको गोल्स के साथ जोड़िए। तो गोल जब आपके अचीव हो जाएंगे तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि चीजें जो होती हैं उनका एक ड्यूरेशन होता है, लोगों का एक ड्यूरेशन होता है, वो कभी आपके साथ होते हैं कभी नहीं होते हैं। चीजें भी आपको जो इनका एक समय होता है, लेकिन अगर आप किसी गोल के लिए लाइफ में काम करते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए अगर आप कुछ कार्य करते हैं तो एट दी एंड जाके आपको दुखी होना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इस आज के वर्ड ऑफ विजडम के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं, एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये करंट अफेयर जाकर आप pendulumedia.com पर पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, देर आर वेरियस क्विजेज भी अवेलेबल है वहां पर, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।